फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस 2 बाई 3 इजिकल टू y प्लस 1.2 इजिकल टू z माइनस 3.2 एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। हमने इस लाइन के ऊपर सपोज करो ये लाइन है, एक पॉइंट निकालना है जिसकी इस P पॉइंट से डिस्टेंस है। ये P पॉइंट मान लीजिए ये 1, 3, 5, इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से। आप ये पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट की, इस पॉइंट से मान लो ये Q पॉइंट है, ठीक है कि नहीं। तो इक्वेशन है जो हमारे पास ऑफ लाइन वो है x प्लस 2 बाई 3 इजिकल टू y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 3/2 लेट ईच इज इक्वल टू लैम्डा से सपोज करें, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस है जो 5 यूनिट है, यानी कि पी क्यू 5 यूनिट है, ठीक। इस पर हमने पॉइंट निकालने, हमने इस पर सपोज कर ली कि जो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट जनरल पॉइंट निकल जाएगा इसका। और आप देखिए x प्लस 2 बाई 3 ये भी लैम्डा के इक्वल, y प्लस 1 बाई 2 ये भी लैम्डा के और ये भी लैम्डा के। अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल लिखता तो ये आ जाता x इज इक्वल टू, देखिए 3 लैम्डा और ये 2 उधर चला है माइनस 2। इसी तरह से y इज इक्वल टू, आप इससे भी करें y इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा माइनस 1। इसी तरह से z को भी लैम्डा के इक्वल करें तो z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3। तो यानी कि ये जनरल पॉइंट आ गया इसके ऊपर कोई पॉइंट है, और आप इसको लिख सकते हैं 3 लैम्डा माइनस 2 कोमा 2 लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा प्लस 3, ये क्यू पॉइंट है। और पी क्यू है जो वो 5 यूनिट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें लग जाएगा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 1 माइनस के 3 लैम्डा माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 यानी कि प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब आप इसको करें 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 5। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, और यहाँ नोट करें कितना बच गया, ये 3 है, 3 माइनस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 4 लैम्डा स्क्वायर ही आ जाएगा अंडर द रूट इज इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड भी कर दो और ये खोल भी दो, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 3 6 ये 18 हो जाएगा 18 लैम्डा प्लस 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 16 लैम्डा, ठीक है। और प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब लैम्डा देखिए 9 लैम्डा स्क्वायर 4 ये और 4 ये तो ये 17 लैम्डा स्क्वायर आ गया। अब लैम्डा ओनली देखिए ये 18 और ये 16, ठीक है। और माइनस के यहाँ 34 लैम्डा, और नोट करें 9 और 16 25, तो ये 25 इधर है तो 0 आ गया। 17 लैम्डा कॉमन लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट, आइदर लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 2,
ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप लैम्डा की, वेल लैम्डा इक्वल टू जीरो, जीरो आएगा तो लैम्डा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आ गया। देखिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू ये माइनस वन आ गया, जेड इज इक्वल टू प्लस थ्री बच गया ये, यानी कि ये पॉइंट बन गया, ये क्यू पॉइंट आ जाएगा हमारे पास माइनस टू माइनस वन और थ्री, ठीक है कि नहीं। ये तो ये पॉइंट आ जाएगा, और अगर लैम्डा टू है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू टू देन एक्स इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू यहाँ टू पुट करें, सिक्स सिक्स माइनस टू यानी कि फोर आ गया, वाई इज इक्वल टू यहाँ पर फोर माइनस वन थ्री, और जेड इज इक्वल टू यहाँ फोर प्लस थ्री यानी कि सेवन, तब क्या वो पॉइंट है फोर थ्री सेवन आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया, नोट करें, ठीक है। जब भी कभी आपने इस पॉइंट लाइन पर पॉइंट निकालना तो जनरल पॉइंट मान लीजिए, इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें और इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो दोबारा से, आंसर आ गया, पुट करने पर इनके रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएंगे। ओके।